बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑब्सेशन विद कुकिंग। उम्मीद है सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। विंटर स्पेशल में आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी गुड़ से बनी हुई खजूर की रेसिपी लेकर आई हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने इसको बहुत ही हेल्दी वे में तैयार किया है। आप इसको देख सकते हैं कि ये कितनी क्रिस्पी है, इसकी आउटर लेयर हैं। जितनी इसकी आउटर लेयर क्रिस्पी है उतनी ही ये अंदर से सॉफ्ट बनती है। अगर मैं आपको एक तोड़ कर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा जबरदस्त ये रेसिपी बनती है और विंटर में तो बहुत ही अच्छी रहती है हमारी सेहत के लिए भी। और सबसे अच्छी बात ये कि हमने इसे घर के जो आटा होता है नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए उसी से हमने इसको प्रिपेयर किया है, इसलिए बहुत ही हेल्दी रहती है। बच्चे और बड़े सभी से बहुत शौक से खाएंगे। सो करना आपको सिर्फ इतना है कि अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर देना है ताकि इस तरह की तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर गुड़ की खजूरें बनाने के लिए मैं 1/3 कप के करीब पानी ले रही हूँ। इसे हम एक पैन के अंदर ऐड कर देंगे और इसी के साथ साथ अब यहाँ पर मेरे पास गुड़ है, ये तकरीबन 300 ग्राम के करीब गुड़ है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब गुड़ को हम अच्छा सा इस पानी के अंदर मेल्ट होने देंगे। लो फ्लेम के ऊपर ही आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है गुड़ वो बहुत इजीली मेल्ट हो जाता है। बीच बीच में आपने चम्मच को चलाते रहना है ताकि कोई भी बड़ी गुठलियाँ ना रहें इसमें। आप देख सकते हैं गुड़ जो है वो हमारा काफ़ी हद तक मेल्ट हो गया है और अब छोटे छोटे पीसेस इसमें बाकी हैं। और इस स्टेज के ऊपर हम स्टोव को कर देंगे बंद और इसी गर्म पानी के अंदर ही इसको मेल्ट होने देंगे। पर हम इसका आटा गूंद लेते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 कप के करीब आटा लिया है। और अब इसके अंदर सबसे पहले मैं ऐड करूँगी, यहाँ पर मेरे पास 2 बड़े चम्मच सूजी है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पर 3 बड़े चम्मच है डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का जो बुरादा होता है वो, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, अगर हो तो आप ज़रूर ऐड करें। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब खसखस या पॉपी सीड इसे कहते हैं, ये 3 टेबलस्पून मैं ऐड कर रही हूँ। इससे ये बहुत ही खस्ता बनेंगी हमारी जो गुड़ की खजूरें हैं। और साथ ही साथ इसमें जाएंगे यहाँ पर 3 टेबलस्पून के करीब तिल, इसका भी टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। ये जो सभी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इन सब से ही इसका टेस्ट इन्हांस होगा। सो कोशिश कीजिए कि ये सभी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकें। और इसी के साथ साथ अब इसमें ऐड करूँगी मैं यहाँ पर 3 टेबलस्पून के करीब मेरे पास सौंफ है। और अब इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास देसी घी है। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप कोई भी दूसरा घी ऐड कर सकते हैं, घी से जो है इसका जो टेक्सचर है बहुत ही खस्ता होगा। घी को हल्का सा मैंने गर्म कर लिया था और अब इसको इस तरीके से हमने मिलाना है ताकि टिक्कियां जो हैं या खजूरें जो हैं वो हमारी बहुत ही ज़्यादा खस्ता बने। टेक्स्चर इसका इस तरीके से आप देख रहे हैं, क्रम्बली टेक्स्चर होना चाहिए। और अब इन सब चीज़ों के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ मेरे पास गुड़ है, गुड़ को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। मेक श्योर ये जो गुड़ हम ऐड कर रहे हैं ये गुड़ का पानी हल्का सा ये गर्म है तो आपने एकदम से, आप चाहें तो इसे चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं लेकिन मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता हाथों से ही मिक्स कर रही हूँ। पानी का इस्तेमाल हम इसमें नहीं कर रहे, इसी गुड़ के पानी से हमने इस आटे को गूंद लेना है। एकदम से आपने सारा नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे और इसे बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह ही हमने गूंदना है।
Meanwhile, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आप लोग अक्सर वीडियोस देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं। ये आप लोगों की तरफ से एक सपोर्ट है और इनकरेजमेंट मिलती है हमें इस तरह से बहुत मेहनत से वीडियो बनाने में। तो प्लीज अगर आप कर सके तो इट्स टोटली फ्री, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल नोटिफिकेशन को आप ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको फौरन से उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और बस अब इसी तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा इसमें गुड़ का पानी ऐड करती जाऊंगी और इसका नॉर्मल सा सेमी सॉलिड सा इसका मैं डो रेडी कर लूंगी। चलो जी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने सेमी सॉलिड सी डो रेडी कर ली है। इतनी ही कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए या टेक्सचर आप कह लें। तो बस अब इस स्टेज के ऊपर हम इसको कवर करके एटलीस्ट 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। चलो जी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आटे को रखे हुए हमें 15 मिनट गुजर चुके हैं और बस अब जो है हम इसको निकाल लेंगे। और उससे पहले हम यहाँ पर अपने वर्कटॉप के ऊपर थोड़ा सा ऑयल में इस तरीके से डाल दूंगी और उसको फैला लूंगी, क्योंकि हमने जिस वर्कटॉप के ऊपर काम करना है उसको आपने ग्रीस कर लेना है, क्योंकि हम इसे अब रोटी की तरह से बेलेंगे, जिसके लिए मैंने इसका 1/4 पोर्शन यहाँ पर ले लिया है। और अब जो है हम इसको मुख्तलिफ शेप्स में बना सकते हैं। अगर आप इसे बेल कर नहीं बनाना चाहते तो आप बिल्कुल छोटा सा एक पोर्शन लें और उसे इस तरीके से हाथों पर आपने इस तरीके से थोड़ा सा फैला लेना है। तब मैंने इस तरीके से इसकी एक शेप सी मेंटेन कर ली है और अब आप नाइफ की हेल्प से इस तरीके से आपने इसको इस तरीके से एक डिजाइन दे देना है। एक शेप में आपको और बता देती हूँ इसकी, आपको कन्वीनियंट लगे आप उस शेप में इसको रेडी कर लें। और अब यहां पर इसे आपने नॉर्मल रोटी की तरह ही बेलना है, बहुत ज्यादा इसको पतला नहीं रखना आपने, क्योंकि ये जो खजूरें होती हैं ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से ये सॉफ्ट होती हैं। सो अगर आप इसे बहुत ज्यादा इसकी थिकनेस को कम कर देंगे तो वो बहुत ज्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी और खाने में बहुत सख्त लगेंगी। तो बस अब इतनी जो है ना आपने थिकनेस रखनी है इसकी, इससे ज्यादा आपने इसे पतला नहीं करना। और आप ये जो कॉर्नर्स हैं इनको हम रिमूव कर देंगे। मैं यहाँ पर इसको पहले इस तरीके से आपने स्ट्रेट लाइंस में काट लेना है। इस तरीके से इसकी शेप्स को रेडी कर लेना है और इसको आपने इस तरीके से कोई भी शेप दे देनी है। और अब यहाँ पर दो शेप्स के बाद मैं आपको एक और शेप बनाना इसकी बताती हूँ कि इस तरीके बस आटा लेना है हाथ पे और उसको अपने हाथों के अंदर इस तरीके से उंगलियों को अंदर की तरफ बेंड करते हुए खजूर की इसको शेप दे देनी है। बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से भी बनाते हैं और फिर हाथों से आपने इस तरीके से इसको, तो बस इस तरीके से जो है खजूर की शेप में भी आप इसको बना सकते हैं। चलिए जी, अब यहाँ पर सारी खजूरों को रेडी करने के बाद शेप देने के बाद यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट टिप कि जो ऑयल का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा तेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आटा है और कच्चा है, इसको हमने कुक होने देना है प्रॉपर। तो इसलिए आप जो है ना बस इतना टेम्परेचर हो कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें जब खजूर को ड्रॉप किया है तो वो एकदम से जो है ऊपर नहीं आई, हल्के हल्के से बबल्स बनना स्टार्ट हुए हैं। तो बस इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपने इसको तेज़ नहीं रखना। और ग्रेजुअली जब आपकी खजूरें पकने लगें तो आप जो है आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर को तेज़ करेंगे फ्लेम को। अब वन बाय वन जो है मैं सारी ही खजूरें इसमें ड्रॉप करती जाऊँगी। चलिए जी, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर के बाद ये अपने आप ही ऊपर फ्लोट करने लगी हैं इस तरीके से। तो अब आप इसे हल्का हल्का उलट पलट सकते हैं
इसे कुक होने देंगे जब तक कि अच्छे से आटा हमारा पक ना जाए। चलिए जी, अब यहाँ पर आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त सी बनी है ये। और अगर आप मैं आपको एक उठाकर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं सुपर क्रिस्पी इसका टेक्सचर है और अंदर से ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है। यहाँ पर मैं एक आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हैं। सो ये थी आज की रेसिपी। आई होप आपको विंटर स्पेशल में गुड़ से बनी हुई ये खजूर की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।